आवाज दे नन्नू वहां से आवाज। अभी मैंने समोसे को तेज मतलब ज्यादा तेल गरम हो गया उसमें नहीं डालना। चलता ऐसे ही करता हूं। ये क्या बना दिया? सारी नमकीन। हे गाइस वेलकम करता हूं आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस नन्नू भी है यहां हमारे साथ और आज एक गाड़ी आई है जिसे मैंने कई दिनों बाद देखा है। आप आवाज सुनो पहले और अब देखो धुएं वाले आए हुए हैं आज। ये मैंने लास्ट टाइम अपने गांव में ही देखे थे और यहाँ पे पहली बार। नहीं नहीं मैं नहीं जा। अरे देखन तो देख कहाँ पे चलेगी। चल मच्छर मार जाएगी हम लोग। नो गाइस अभी हम नीचे जाके देखते हैं। मैं तुम्हें सिद्ध कर दिया। गाइस ये तो घरों में डाल रहे हैं सीधा। अरे फ्यूल डाल रहे हैं अभी इसमें। उधर देखो कितना धुआं है अभी। नन्नू तो धुएं में घूम गई। तो मैं तो भाग जाऊंगा फिर। मैं भाग जाऊंगा ऊपर। हाँ हाँ तो पहले बच्चे बहुत डरने के। दीदी बहुत डरने की धुएं से घर में छुप जाती थी। हमारे गांव में आते थे ना हम सोचते थे चोर आ गया भागो भागो पकड़ लेगा। यही सोचते थे हम लोग घर में जाके फिर से खेलना स्टार्टिंग कर देते। हम लोग अब चालू होने वाला है। नन्नू जा अंदर। आजा आजा। धुआं हो गया पूरा। नन्नू जा अंदर छुप जा। मैं तुझे ढूंढूंगा धुएं में। याद आए हट गया धुआं फट गया। वो पूरा धुआं हो गया। आजा आजा बस। छुट्टी है कहाँ की? ट्यूशन की स्कूल की? कहाँ ले जा रही है? जा दी जा घुमा के लैसे धुए में। हाँ तो भागो मत। गायब हो गए। बचपन में भी बहुत इंजॉय करते थे धुए में फुल। पहले तो ऐसा रहता था दोस्तों एक दूसरे को मार देते थे धुए में पता नहीं चलता था जिस वजह से। हाँ बस ज्यादा दूर मत जाओ। बस नन्नू। हाँ आ जा इधर बैठ इधर। आवाज दे नन्नू वहां से आवाज दे। ओए आ जा। कहाँ चली गई है भाई? गायब सो रहा है कोई। ये आई आई आ गई आ गई। नहीं देख गाड़िया वीडिया आ रही है। आ जा धुए में दिखती नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ। तो गाइस आ गए हैं धुए में खेल के। अब लग जाता हूँ अपने काम पे। लगभग 11:30 पे चले गए हैं। तो पहले तो मार्केट जाऊंगा सामान लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद घर ला के सारा सामान आलू बाल दूंगा और जो भी काम रहेगा वो करूंगा। तो पहले चला जाता हूँ मैं मार्केट। तभी बाजार जाने से पहले मैं नहा लिया था। अब जा रहा हूँ मैं फटाफट बाजार और लेकर आता हूँ सारा सामान। फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज अभी लेकर आ गया हूँ मैं सामान सारा मार्केट से जो भी लाना था।
और अभी यहाँ पापा तो खाना खाने बैठे हैं, आज खाने में छोले साथ में ये भी है कुरकुरे। मम्मी गाइस अभी मैंने भी खाना खा लिया और यहाँ आलू भी उबालने रख दिए थे, तो अब यही अपने काम में लगूंगा जो रोज़ का काम करता हूँ। तो अब स्टार्ट करूँगा, बस आलू उबलते हैं उसके बाद आलू छीलूँगा और बाकी और भी काम कर लूँगा। सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया, बस समोसे बनाने रह गए हैं, उसमें भी अभी लग जाऊंगा मैं बनाने में। पर अभी पानी आ गया था तो फटाफट मैंने सारी बोतल भर ली, सब खाली हो रही थी और ये दुकान के लिए भी भर ली है। तो अभी ना पहले फ्रिज में रखता हूँ, फिर उसके बाद समोसे बनाने में बैठता हूँ। तो गाइज वर्क हुआ पूरा डन, सारा सामान यहाँ पर रेडी है, चलते हैं रोज की तरह सामान नीचे पहुँचाते हैं और फिर कार्ट को लाते हैं और कार्ट में लोड करते हैं और पहुँचते हैं अपनी दुकान लगाने की जगह की ओर। गाइज लेकर आ गए हैं सारा सामान नीचे, अब रखते हैं सारा सामान कार्ट में। गाइज अभी स्टूल वापस घर ले जाना पड़ रहा है पापा को, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ रास्ते में। पहले पापा को देख के आन दो और यहाँ से कार्ट निकालते हैं। आ गए हैं हम सड़क पे निकल के, तो अब बताता हूँ मैं किस वजह से स्टूल को घर पे वापस रखना पड़ा। तो कल जो है करवा चौथ का त्यौहार है, तो हर कोई मेहंदी लगवा रहा है रास्ते में बैठ के, मतलब हर जगह टेंट बांध रखे। तो ऐसी एक जगह अनायशा गई है तो वो भी मेहंदी लगा रही है, उसे मेहंदी लगानी आती है, तो इस वजह से उसे स्टूल की थी ज़रूरत क्योंकि बैठ के मेहंदी लगाते हैं। तो इस वजह से उनने फ़ोन किया और स्टूल घर पे ही रखवा दिया। हम रख के आ गए, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए हैं जगह पर और कार्ड को खड़ी कर दिए। हम फटाफट लगाते हैं सेटअप। तो गाइस सेटअप हो चुका है कंप्लीट, अब पहले मैं पूजा कर लेता भगवान जी की, फिर थोड़ा तेल भी गर्म हो जाएगा, फिर समोसे डाल दूंगा मैं। तो गाइस डाल दिए हैं सारे समोसे मैंने और मोमोज भी करने के लिए रख दिए हैं स्टीम। तो गाइज हो रहे हैं यहाँ पे समोसे फ्राई। कभी भी ना समोसे को तेज मतलब ज़्यादा तेल गर्म हो गया उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले हम ये गलती कर रहे थे तो कई बार हमारे समोसे फट जाते थे, मतलब ऐसे ऊपर से ये दरार आ जाती थी, इनमें बीच में से दरार आ जाती थी। लेकिन जब से हमें ये करने लगे, जब से ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी भी एकदम डालते ही ये मत डालो चमचा, इसके अंदर ऐसे घुमा हिलाओ मत, बस होन दो एक जगह पे, और जब हो जाए हल्के हल्के ब्राउन तब फिर हिला लो इसे सही से। अभी मैं वही कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं वड़े भी बनाऊँगा। ये फ्राई होते ही इन्हें निकाल के रखूँगा, फिर वड़े बनाऊँगा। हमें लगाने हैं 2 हाफ प्लेट मंचूरियन, इससे पहले 2 हाफ प्लेट समोसा चाट गई, तो अब ये भी लगा के मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद फटाफट वड़े बनाऊँगा। सारी चीज़ तो रेडी है। बना दिए हैं वड़े भी, इतने वड़े बना के अभी मैंने रख दिए और समोसे तो सारे ही फ्राई कर दिए थे, अब पूरा काम हुआ कंप्लीट। के 5 है, 40 के 10 है।
ढोल पत्रा था एक। हाँ चले गए भैया वो वही लेना। हाँ चले गए देख या चलेगा बड़ा पॉपर हुआ कहाँ चले गए पैसा निकालने गया था। अब कहाँ चले गए अब कहाँ गए अब तो वहाँ बैठे क्या करा खाई नहीं टुकड़े करो दस कर दो खा लेना दस चल दस ही करता हूँ। तो गाइस अभी आदि ने चैलेंज दे दिया मुझे 10 पीस करने का स्टेक एक नहीं हो पाएगा दो तीन नहीं हो पाएगा चार पाँच छ सात आठ कितने हो गए गिन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये लास्ट का थक हो रही है हो जाने चाहिए दस ले। पर आपने ये चौमिन तोड़ा है कहाँ है पता बिल्कुल एक्यूरेट टुकड़े हैं। आपको 20 करना है एक दो तीन आठ चार इतना छोटा छोटा टुकड़ा ना सात आठ नौ नौ दस ले रोल का भरता। काफी टाइम हो गया बस एक ही वड़ा पाव के कस्टमर और कस्टमर बिल्कुल ही नहीं आए तो अभी पापा ले रहे एक वड़ा पाव वो भी पैसे दे के ही ले रहे मना कर रहा हूँ। और जबकि कल मैंने संडे को सोचा है कि दुकान को क्लोज ही रखूंगा कल क्योंकि एक काम करना है मतलब कुछ कहीं तो जाना है मुझे वो कल के ब्लॉग में मैं बताता पर अभी ऐसा लग रहा है कल भी खोलनी पड़ेगी मुझे बट देखते हैं पहले पापा को वड़ा पाव बना के दे देता हूँ। लो पापा फीडबैक दो हम कैसा बनाते हैं। भाई रात तो बैठे बैठे बोर हो गया ये अच्छा है कि आदि इसके साथ मन लग जाता है थोड़ा बस वरना तो मैं तो बोर हो रहा हूँ बहुत आज बैठा हुआ। अब आए थे कस्टमर और आए तो चार वड़ा पाव वो पैक करवा के लेके गए और एक रोल। चलो अच्छा हुआ ये तो। कैसे लगे? बहुत बढ़िया कम प्राइस में इतना अच्छा मंचूरियन अच्छे लगे ना। तो गाइज हमारे भैया दीदी रेगुलर के कस्टमर हैं तो हाँ वो भी मंचूरियन के इसलिए मैंने स्पेशली रिव्यू लेने सोचा। थैंक यू। काफ़ी देर हो गई है मैं वैसे जल्दी ही थोड़ा बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज काम बिल्कुल ही नहीं है बहुत ना के बराबर ही कस्टमर आए हैं पाव वगैरह सब बचे रह गए हैं तो हाँ कोई बात नहीं होता है क्योंकि कल त्यौहार भी है सब अपना त्यौहार के उसमें लग रहे हैं करवा चौथ है तो सब शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे तो कोई नहीं रहता है मतलब हर किसी का रहता है हमारा ही नहीं तो हम अब फटाफट अपना बढ़ा लेते हैं और चलते हैं घर की ओर। सारा सामान पैक करके खाज पे चलते हैं अंदर। आज तो मेरा भी लेफ्ट पैर की फिल्ली बहुत ही दर्द कर रही है बहुत ही एक ही सुबह से ही अभी बहुत ज़्यादा कर रही है मेरा तो बैठे बैठे हो भी चलते हैं अंदर। तो गाइस रख दिया सारा सामान चलते हैं कार्ट को खड़ी करते हैं दिया गाइस कार्ट पे ताला अब चलते हैं घर। अजय मनोठिया अब मैं ये सामान दोनों ऊपर पहुंचाता हूँ। ऐसे रख दिया सारा सामान यहाँ पर पैर में आज बहुत दर्द हो रहा है मम्मी मेरे एक पैर में पैर दो हाँ मैं मुहाती दो
आए नहीं वो लोग मेहंदी लगा के, अभी भी लगा रहे हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे अब आया बेचारे को 500-500 रुपया मिला दोनों को। देखते हैं अनायशा कितने रुपए लाएगी। अनायशा कोई आती है वैसे मेहंदी लगानी, दीदी को तो वही पार्लर का और नेल्स का काम आता है। चलो मैं मुंह हाथ धो। क्या बना दिया? बिसल पाव, इसमें वो डालना प्याज। अलग ही दिख रहा है ये तो पहले से, देखो पापा मिसल वाला पाव। मैं पता ही चल गया था कि आज पाव बचने ही वाले हैं, तो हमने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने ऐसी सब्जी बनाई जिसे पाव के साथ ही खाते हैं, इसे कहते हैं मिसल, मिसल पाव। मिसल इस सब्जी का नाम है और पाव के साथ, हाँ मतलब मिसल वड़ा भी है इसमें, मिसल वड़ा है ये, और साथ में पाव के साथ खाते हैं। और बहुत ही दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है मुझे तो ये, और खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। दो वड़े हैं बीच में और कई सारी नमकीन है और सब्जी भी है, मतलब मिसल वड़ा और साथ में पाव, तो खा लेता हूँ। बड़ी टेस्टी डिश बन गई आज, देखता हूँ भाई इस खा के। प्याज ले लिए और साथ में पाव, और ये इसमें नींबू रहता ना और अच्छा लगता, पर क्या करें, मंगवा लेते हैं, मस्त है, टेस्टी। जो वड़े भी बचे थे उनका भी मम्मी ने यूज कर लिया खाने में, मिसल वड़ा मस्त मस्त। मैं मम्मी महान कुक है, मस्त टेस्टी, मम्मी भी खाई लिया।